केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के विधायक थानेसर विधानसभा से सुभाष सुधा जी। इनसे चर्चा करेंगे कई अहम इश्यूज़ को लेकर। बजट सेशन में आज किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई? देखिए, बजट सेशन जो है बहुत बढ़िया बजट सेशन हुआ। सत्ता पक्ष का काम है अपनी बात को रखना, और बहुत अच्छा बजट आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। इसी द्वारा विपक्ष अपनी उसकी आलोचना, उसका काम है आलोचना करना, क्योंकि उन्होंने अपने क्या वहाँ के मतदाताओं को किस प्रकार से अपनी बात को रखना है, अपने एरिया की बात को रखना है। तो बहुत अच्छा सेशन चल रहा है और बड़ा पीसफुल सेशन चल रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई और नए मुख्यमंत्री भगवंत मान कलाकार से लेकर चीफ मिनिस्टर तक का उनका सफर रहा और उन्होंने सत्ता संभाल ली। देखिए, मैं एक बात कहूँगा, पंजाब में आम पार्टी आ गई, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसको चलाने के लिए किस प्रकार का बजट, कहाँ से अरेंजमेंट किया जाएगा, हमारी महिलाओं को 1000 रुपया महीना देने की बात है, बिजली फ्री करने की, उन सब समस्याओं के सामने जब बैठ कर वहाँ देखना पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं किस प्रकार की वहाँ सरकार चला पाए। हरियाणा के बहुत से नेता अलग अलग दलों के आम आदमी पार्टी रोज ही ज्वाइन कर रहे हैं, कभी 10 लोग, कभी 12 लोग, ये क्या हो रहा है? देखिए, जो कार्यकर्ता कहीं नहीं जा रहे, जो नेता हैं जिनको पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी, अदर दलों से भी टिकट नहीं मिली, जो घर बैठे थे, जिनके अंदर मन के अंदर इलेक्शन लड़ने की कीड़ा होती है, वो लोग वो आप पार्टी में जा रहे हैं, उनका अपना मन की उनकी इच्छा है। सुधा जी, अगर चर्चा की जाए थानेसर के विकास के लिए, आप विधानसभा में तो हम देखते ही आपको क्या प्रयास करते हैं, लेकिन आपको एक मामले में हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट की भी शरण लेनी पड़ी, एक मामला सड़क ना बनने पर आप गए। देखिए, मैं एक बात कर रहा हूँ, एक हमारी मेन हार्ट ऑफ सड़क है पिपली से लेकर यूनिवर्सिटी तक, और उसके लिए मैं एग्री भी हूँ कि मेरी वो सड़क नहीं बनी, और विधायक के नाते मैं उसको अपने ऊपर लेता, मैं किसी को प्रवाह नहीं करता। तो उसका मैंने मुख्यमंत्री जी से 6 लेन की घोषणा कराई थी। घोषणा कराने के बाद एक बार पहले टेंडर हुआ, वो लोग एक ठेकेदार छोड़ कर चला गया, उसकी पोर्ट शिफ्टिंग हुआ, ब्रिज कटे, सेकंड टेंडर फिर हुआ, तो जो ठेकेदार था सेकंड टाइम में वो भी छोड़ के चला गया, और उसके बाद जाने का उसकी जनता बहुत दुखी हुई, उसको उखाड़ के फेंक गया, और मेरा खुद का रेजिस्ट वहाँ पर, बहुत बड़ी दुख की बात है ऐसे काम करके। तो उसके बाद मैंने लिख के दिया गवर्नमेंट को, उसको गवर्नमेंट ने उसको मैंने कहा उसको टर्मिनेट किया जाए और नया टेंडर किया जाए, उसको 4.5 करोड़ की पेनल्टी डली। फिर वो आदमी हाईकोर्ट में चला गया, और बार बार हाईकोर्ट में गया, उसने जाके कहा कि पहले मेरा फाइनल किया जाए, मेरा आर्बिट्रेशन किया जाए, हाईकोर्ट ने आर्बिट्रेशन को फाइनल कर दिया। उसके बाद भी जाके उसने 6 बार मेडिकल दे दिया कि मेरे को कोरोना महामारी से हूँ, और 6 बार 42 दिन लगातार जता रहा। जब मुझे पता लगा ये बड़ी गेम खेल रहा है, तो फिर मैंने सारे अधिकारियों को बुलाया, जिस दिन 42 दिन हुए उसके बाद उसने कंटेम्प्ट डाल दी आदि चीफ जस्टिस के पास कि पहले आर्बिट्रेशन मेरे को सुने, आर्बिट्रेशन कहाँ से सुने, तू पेश ही नहीं हो रहा उसके उनके पास। तो ऐसी गेम उसने खेली, खेलने के बाद हमने बहुत कहा, आदरणीय मैं AG साहब का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने इस केस के ऊपर मैंने पूरी पैरवाई की, मैं खुद खड़ा रहा वहाँ पे, उन्होंने डबल AG 2 लगाए, उसके बाद उन्होंने हम क्या गए, उसने फिर जब टेंडर हमने लगा दिया तो उन्होंने डिपार्टमेंट ने फाइल भेजी कि आदरणीय उनका AG साहब से क्या इस सड़क के ऊपर हम क्या हम टेंडर लगा सकते हैं, तो उन्होंने लिखा इसके ऊपर कोई स्टे नहीं, टेंडर लगाया जाए। जब टेंडर लगा दिया गया तो भी वो फिर हाईकोर्ट में चला गया, दोबारा फिर मुझे हाईकोर्ट में जाना पड़ा, वहाँ जाके पूरे डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट के दिखाने पड़े कि ऐसे ऐसे बात है, इसका हम सुनने के लिए तैयार है, ये आइंदा किस बात का स्टे। और मैं आदरणीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने उस फाइल को डिसमिस फाइल कर दिया, और बहुत बड़ी बात, आज वो सड़क का टेंडर खुल चुका है, बहुत जल्दी उस सड़क का काम होने जा रहा है। तो ऐसी उसमें मेरे को देखने को मिला, और मैं चाहूँगा कि जनता को जो बहुत बड़ा इस सड़क के कारण नुकसान भी हुआ है, मैं नहीं मानता, एग्री करता हूँ, और उसका उतना ही इस सड़क का जब 6 लेन करेंगे उसका पूरे जन्म तक उसका बड़ा फायदा होगा। 6 लेन लाइटिंग व्यवस्था डिवाइडर सुंदर, उसकी मेरी जो प्लानिंग थी बहुत अच्छी प्लानिंग थी, अब वो प्लानिंग पूरी कामयाब हो जाएगी। आज ही मैंने आदि मुख्यमंत्री से बात करी उसके बारे में कि वो सड़क का टेंडर जो है खुल चुका है, और उनको डिपार्टमेंट को बोलकर बहुत जल्दी से जल्दी किसी को अलाट किया जाए, तो काम को शुरू कराया जाए। धन्यवाद सुभाष सुधा जी। तो देखिए, सुभाष सुधा जी जनता को सुविधा देने के लिए जनहित में हरियाणा व पंजाब हाईकोर्ट में किस तरह से एक मामले में सड़क के खुद प्रयास करते रहे, और लगातार कंटेम्प्ट वाले मामले में वहां पर जाकर सारी चीज़ें AG साहब को साथ लेकर पूरी लड़ाई लड़ी उच्च न्यायालय में, और उसके बाद आखिरकार जाकर इनको सफलता मिल गई। कहीं ना कहीं जो ठेकेदार गड़बड़ कर रहा था उस चीज़ पर भी अंकुश लगा, और जनप्रतिनिधि होने के नाते इन्होंने अपना धर्म भी निभाया और पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट तक इस लड़ाई को पूरी ईमानदारी से लड़ा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।